डफ वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर और समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ 2019 के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिशरण प्रतिकुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कहा कि डफ एंड डम गूंगे बहरे लोगों के लिए आयोजित यह कार्यशाला विश्वविद्यालय के लिए बड़ा अवसर है। जब हम समाज की भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से विश्वविद्यालय सीधे तौर पर समाज से जुड़ता प्रतीत होता है। आज के युग में व्यक्ति की अस्मिता का आत्मसम्मान का भाव जाग उठा है। कोई भी व्यक्ति किसी की दया कृपा करुणा का पात्र नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विषय पर अत्यंत संवेदनशील हैं। सबका साथ सबका विकास उनका लक्ष्य है। उन्होंने शारीरिक रूप से अक्षम या कमी होने पर विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। इस मौके पर लखनऊ डफ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी फजल, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डफ के मेंबर तुषार, डफ वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर के पंकज गुप्ता और डॉक्टर मनीष पांडे, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग सहित अन्य लोग मौजूद रहे।